कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में, शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को बितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबिलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ, और क्या उनका मकसद है कि डराएँ और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएँ, तो इस तरीके का जो होता है। तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं, ये तो ये साहब जैसे कहते हैं काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना, इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है ये उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, मैं कई किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, देयर इज नो अदर ऑफ मैने पनिशमेंट, इट इज़ ए हार्शर लॉ देन UAPA। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट, एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द एनिमी हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, हु आर नो लोको स्टैंडाई हियर, वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्ते लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत, आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, और उनको इनको सजा दे पाएंगे। सो हाउ विल इट बी डिफरेंट, लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल इट बी डिफरेंट, बिकॉज ऑलरेडी वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द चेंजेस, फॉर एग्जांपल द ऑपरेशन टैकिंग काउंसिल, आर यू आर सीइंग दैट यू आर गोइंग टू इनवोक एनिमी एजेंट्स, सो हाउ दिस गोइंग टू मेक अ डिफरेंस देयर ऑन द ग्राउंड। टू, वन इज द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस, यू सी, एंड सेकेंडली क्वांटम ऑफ ऑफेंस, इफ इट इज प्रूफ, स्पेशल कोर्ट्स हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, यू नो दे विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल जज, बाय स्पेशल जज। नाउ इफ इट इज प्रूव देयर इज नो लेस पनिशमेंट अदर देन द टू व्हिच आई मेंशन, सो देयर आर टू बेनिफिट्स, बट देयर आर टू एंगल्स टू, वन इज ऑफ कोर्स देयर, ऑल आई हैव टू प्रूव इज देयर वाज ए फॉरेनर, foreign fellow, foreign fighter, foreign terrorist, foreign raider, and I'll have to prove that you have assisted, that's all। अगर मुझे, मैंने इतना ही प्रूव करा कि आपने एक पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से आया हुआ किसी बंदे को आपने किसी भी तरीके से एड करा, अबेट करा, रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब खाली करा आपने, I'll have to prove two things, I have made my case। In a way, it is the UAPA's investigation and evidence will overlap, will have an intersection. But the difference here is a harsher law will come into play. देखिए, टेररिस्ट अपना बड़ा बिगड़ा हुआ लड़का भी तो हो सकता है, उसमें तो मैं UAPA नहीं लगा सकता, सॉरी एनिमी एजेंट नहीं लगा सकता, वो चाहे कितना भी घिनौना काम किया हो, बड़ा सा बड़ा बम फोड़ा हो, अगर अपना है यहाँ का, पर बाहर का आदमी है, पाकिस्तानी है, और आपने उसको मदद करी, वी विल इनवोक एनिमी एजेंट एक्ट। हमर पाकिस्तानी टेररिस्ट SSG कमांडर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस, दोस हु आर ऑपरेटिंग राइट नाउ इन जम्मू कश्मीर। वेल, आवर अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज वी हैव हियर, दे आर यूजुअली नॉट कॉट अलाइव, वी सपोज they are caught once, you know the full truth, but till that time, given the way they are fighting, or they are kind of sort of, you know, terrorizing, and their modus operandi, इसको किसी को भी मतलब guys, ये चलते चलते कमन आदमी को भी मारने से चाहते नहीं हैं, तो इससे लगता है कि
it doesn't make a difference as far as we are concerned. It's a matter of actually tactics, you know. For us, he's an enemy. Whether he has come from a uniform background, or he has come from a jail, or he has come from a terror country. On Amarnath pilgrimage, sir, security scenario and your message to Indu. Khatam karega tha pilgrimage. Last question. See, I have always said that this fight will be won with the help of the people. It will be won with a group of BDG, SPOs and local police supported by our central armed forces. And in this, I always say that when a warlike situation or a terrorist challenge of this nature is imposed on us, there will be some losses. We will try minimize the losses with the help of our training and determination and tactics. There could be losses on the civilian side, but certainly the enemy will get, finally will be given a defeat. And if they are thinking that we are shying away from this just because of the fear of the losses, I would urge my countrymen, I would urge my citizens of Jammu and Kashmir and natives of Jammu and Kashmir, that the first bullet will be of the policemen. Today, as I speak to you, when Farid got the bullet, he was at the forefront. और वो नीचे उतरने के बाद पूरी की पूरी टोला फिर जा रहा था उनके लड़ने के लिए, ठीक है. उन्होंने जगह की डिफिकल्टी, उन्होंने टेक्नोलॉजी की सहारा, और उन्होंने पहाड़ और फैलाव का मदद लेते हुए कुछ हद तक करेंगे. पर आपको याद है कि 1995-2007 में इन्होंने भी कोशिश करी थी इसको वो करने के लिए, एक मंसूबा कामयाब तो नहीं हुए, प्रोसेस थोड़ी सी हुई, पर जीत किसकी हुई फाइनल. तो ये अगर सोच के आए हुए हैं तो हमको दम रखना पड़ेगा, और हम रख रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हम इनको जल्द से जल्द हम 2-3 महीने में इनको नाश्ता.